आंखों देखी। आज राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना गया जिला के द्वारा मानपुर में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें लद्दाख एलएसी पे शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत को भी श्रद्धांजलि दी गई। उनके इस मौत पर सीबीआई से जांच की भी मांग की गई है और साथ ही उन्होंने देश के युवाओं से चाइनीज सामानों का बहिष्कार करने का अनुरोध किया। कि हम लोग इसको आर्थिक स्थिति से मजबूत कर रहे हैं और ये हम ही लोग कार्य कर रहे हैं। अगर युवा दोस्तों मतलब की जिंदगी में या तो ऐप के माध्यम से या कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान के माध्यम से इन चीजों को बंद करना चाहिए, किस तरीके से करेंगे? इसको यूज नहीं करेंगे, यूज करना कल आप श्रद्धांजलि किस तरीके से जी। आज हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के माध्यम से एलएसी से जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और हम डरने वाले नहीं, इसका हम करारा जवाब देंगे। यह हमारी भारत सरकार ने बहुत अच्छे से हमें बताया है कि हम इसका मतलब चाइना से जरूर लेंगे। सलमान खान, अमिताभ बच्चन, करण जौहर और जो परिवारवाद परिवार के बीच में जो पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब पर डायरेक्ट इल्जाम हम लगाते हैं और कुछ मांग करते हैं सी बी आई की जाँच हो, उन सबको करीब से करीब सजा। सर, एक सवाल ये है कि युवा प्लस काफी इस वजह से कि थिएटर में नहीं जा रहे, क्योंकि थिएटर बंद है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थिएटर खुलता है या सलमान खान की फिल्म आती है तो क्या उस तक आप वहाँ पे भी धरना प्रदर्शन जैसा कुछ करें? जी, हमारा विरोध आज के लिए नहीं है, ये शुरुआत नहीं आज से हम कर रहे हैं, लेकिन ये विरोध हमेशा चलता रहेगा। और जब जब करण जौहर, यश राज, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन इन सबकी फिल्म लगेगी, राष्ट्रीय राजपूत कमीशन गया जिला हमेशा इसका विरोध करेगा और ये विरोध आज से शुरुआत हुआ हमेशा चलता रहेगा। राजपूत सेना की तरफ से जो हमारे देश वीर गति को प्राप्त हुए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और एक तो हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री जो कि दुनिया भर में 3 नंबर की फिल्म जगत की इंडस्ट्री है, वहाँ पे एक निकोटिजिन कर रही है, भाई भतीजावाद वाली कुनीति है, सदियों से चले आ रही है। इसके कारण हमारे बिहार के जो सुपुत्र है इतने मेधावी, जिन्होंने अपना कैरियर दबाव में लगा के आगे जाके मुंबई में संघर्ष किया, पवित्र रिश्ता जैसे छोटे मोटे सीरियल से अपने आप को आगे बढ़ाया और एक स्थिति में कहा कि ना वे बड़ा मुकाम पा चुके थे, उसके बाद उनके साथ क्या ऐसा क्षति हुआ कि उन्होंने अपने ध्यान त्यागना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा। हम इस बात पे जानना चाहते हैं कि हमारी जो सरकार है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, इस पे सीबीआई जांच करे। और जो बात हुआ ये इसकी शुरुआत है और इसको जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक इसकी आगे चलती रहेगी विरोध और धरना प्रदर्शन इसी प्रकार से चलता रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ।